जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की हत्या में नामजद पति भाजपा नेता दीपक सिंह गौर को दूसरे दिन पुलिस ने नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसी केस में नामजद रिटायर्ड DIG ससुर, सास और अधिवक्ता जेठ को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया है। अदालत में पेशी के बाद जेल जाते समय दीपक सिंह गौर ने मीडिया से कुछ बातचीत की, सवालों के जवाब दिए। उसने कहा कि उस पर हत्या का मुकदमा दबाव में लिखा गया है। मेरे माता पिता, भाई और सारे लोग निर्दोष हैं। बड़ी बिटिया का दाखिला कराने हम दोनों लखनऊ गए, 15 दिन वहीं अपने भाई के घर रहे। पिता और माता जी गाँव में रहते हैं। घटना के समय बिटिया को लेने स्कूल गया था, तभी वहाँ फोन पर फांसी की सूचना मिली। दीपक ने कहा कि जिस वीडियो में हत्या की बात कही है उस वक्त वह नशे में था। यह 20 अप्रैल का वीडियो है। दीपक ने यह भी कहा कि श्वेता को वह फांसी लगाते देख नहीं सकता था, इसलिए वहां से चला गया। हालांकि कुछ ही देर बाद वह अपनी बात से पलटते हुए कहा कि वह बेटी को लेने स्कूल गया था, तभी वहां फोन पर फांसी लगाने की सूचना मिली। न्यायालय निर्णय करेगा कि मेरी बच्चियों को बरगलाकर कुछ भी कहला दिया गया है, उनको समझ नहीं है। वहीं जिला अधिवक्ता संघ के सचिव और फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह की राय में श्वेता गौर मामले में दर्ज रिपोर्ट में लगाई गई हत्या की धारा विवेचना और अदालत में टिक नहीं पाएगी। शायद पुलिस ही अपनी विवेचना में इसे धारा 306 IPC यानी आत्महत्या के लिए प्रेरित करना में तब्दील कर दे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुलिस हैंगिंग ही बता रही है और भी कई स्थलीय परिस्थितियां साक्ष्य बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि यदि धारा 306 लगाई गई तो इसमें 7 वर्ष की कैद का प्रावधान है। श्वेता की बेटियों द्वारा पिता व अन्य परिजनों पर लगाए गए आरोपों के बारे में अधिवक्ता ने कहा कि इसे दबाव में कहा जाना भी माना जा सकता है। विवेचना के दौरान पुलिस 161 CRPC के तहत बेटियों के बयान अदालत में कराएगी, वही मान्य होंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।